70 साल तो अंग्रेजों के साथ पराठे बनाए, लेकिन भाई वो टेस्ट जो है ना गुरुम भाई। आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरतिंग का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, मिर्ची का, मेथी का, चीज का, गुड़ का, मसाले का। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम भाईजन, क्या हाल है आपके। हम मौजूद है वन एंड ओनली वर्ल्ड फेमस पराठे वाली गली। ये देखे कितने खुश हैं भाई साहब, ये भी जा रहे हैं। ये भाई जल्दी, लोग जल्दी में बड़े हैं यार। ये गली के बाहर रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, उन्हें पता है हजारों लोगों ने निकलना है, एक दो सवारियां मिल जाएंगी उन्हें। तो भाई ये बहुत बढ़िया यार गली है, पराठे वाली गली 100 साल से ज्यादा पुरानी है। अंदर चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड पॉलिटिशियन, नेम एनीवन, सब आते हैं यहाँ। तो हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और ट्राई करेंगे। आ जाए मेरे साथ, टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है, आ जाए। साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं आप। देख रहे हैं कितना रश है, रश देखे। ओए 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 ओए। ओ भाई यहाँ तो चलने की जगह नहीं है। हमने सुना था क्योंकि है ना फुट ट्रैफिक जैम, वो ये है, देख लें। ओए 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 ओए। ये देखें, ऐसा लग रहा है फ्री लंगर है, लंगर। तो भाई इस गली में एंटर होके मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर था कि मैं और मेरा कैमरामैन कहीं हम कुंभ के मेले की तरह एक दूसरे से खो ना जाए। पहले पूरी गली का विजिट करते हैं, फिर उसमें से जो सबसे मशहूर दुकान है, सबसे मशहूर पराठे वाला है, उस पे लेकर चलेंगे, आ जाए। तो भाई आज मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हुआ कि इस गली को आखिर पराठे वाली गली क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर तरफ पराठे वाले ही पराठे वाले थे। थोड़ा सा सुकून मिला, आपने देखा ही होगा पीछे यार, भगड़ दगड़, ये कोई बंदा कोई टेंशन नहीं ले रहा। लिटरली मैं एक सेकंड के लिए यूं देखने के लिए हुआ हूं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यहां से दो चार लगे, अबे आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। तो यार ये वाकई भाई ये जगह जो है ना वो फुट ट्रैफिक कहते, मैं सुना था कभी देखा नहीं था, और लेकिन यहाँ पे भाई मैं एक्सपीरियंस कर लिया। अरे ये कल्चर है यहाँ, अबे भाई खाली है यार, कल्चर है। पीप का मतलब यहाँ पे हॉर्न का, देखो हॉर्न का मतलब है, और भाई कहिए क्या हाल है, मतलब ये है। तो हम बेसिकली खाने वाली गली में साड़ियों की दुकान पे हैं, तो आपको सुकून मिल रहा है। मैं फिर जब खाने वाली जगहों पे जाऊंगा तो यहाँ पे वही टेंशन है। तो पहले थोड़ी गली विजिट करते हैं, फिर जो बेस्ट पराठे वाला है, बेस्ट वाला, वो आपको दिखाएंगे। आगे ये देखो भैया, ये देखो ये क्या चीज है भाई, छोले भटूरे वाला? रोटी सब्जी। अच्छा रोटी सब्जी वाला, बड़ा मशहूर है ये भी। ये है जो लेजेंडरी पराठे वाली गली, पुराने जवाहरलाल नेहरू से लेके पता नहीं कौन कौन यहाँ पे आया हुआ। ये देखे, ये आपने आइकॉन देखा होगा बहुत जगह पे, ये वाला जबरदस्त। तो एक ये है, एक ये है, एक वो आगे है और वो भी है, दिखाते हैं आपको। तो इसमें से हर बंदा ये दावा करता है कि असली पे मैं हूँ। तो दोस्तों यहाँ मेरा असली से मतलब था कि सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट ऑथेंटिक कौन सी है। ये भी कहते हैं मैं असली, ये वाला बाबू राम, यही असली है। वो कह रहा है हमारे सारी असली है। वो कह रहा है सबसे पहले हम थे। तो ये यहाँ पे अच्छा, ये अब मोहब्बत भाईचारा हो गया, ये कह रहे सारी असली है, खाना खाओ नहीं तो आगे बढ़ो। ये भगवान क्या जुलूम है। ये वाला देखो भाई जबरदस्त। अच्छा ये अभी रश उस पे ही है दादा, ना रश उस पे ही है, समझ आ रही है। ये भाई नेव निधि यार, क्या क्या खाए बंदा यहाँ, प्योर वेज या वायरल। ये देख सकते हैं इनके समोसे, छोले भटूरे, यार ये बड़े बढ़िया बना रहा है भाई। ये भी सुना है बड़ी फेमस है, लेकिन बंदा क्या क्या खाएगा यहाँ, इतनी सारी दुकानें हैं। इनके फ्रेश गुलाब जामुन ये भी ट्राई करेंगे। ये किस चीज का कचौड़ी है भाई, दाल की कचौड़ी? अच्छा दाल की है भाई, ये वेज है, वेज। ये देखो द फूड इज योर, द फूड इज योर, दाल की कचौड़ी ये वाली, ये समोसा, ये गुलाब जामुन और ये छोले भटूरे, बढ़िया भाई बढ़िया। तो भाई कुछ देर के लिए मैं इस तारीखी पराठे वाली गली की चकाचौंध और इन खूबसूरत
रौनकों में कुछ खोसा गया था। लॉबी हमारे साथ मौजूद है द लेजेंडरी पराठे वाली गली के लेजेंड। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन उनके भी लेजेंड्स हैं, तो बहुत मशरूफ आदमी है, इनकी मेहरबानी अभी हमें थोड़ा सा टाइम दिया है, अभी ये पैसे ले रहे हैं फिर आपसे बात करवाते हैं इनकी। तो आप देख सकते हैं यार ये कितना रश है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी पराठे वाली गलियों में इतना रश नहीं है लेकिन सॉरी दुकानों पर, इसमें बहुत ज्यादा रश है। 1875 आप देख सकते हैं, 1875 है। यहाँ पे पॉलिटिशियन, बॉलीवुड, सब लोग आए हैं। क्या बात, क्या बात है। तो इनसे बात करवाते हैं आप। बोलो, एक सिंगल की 100 रुपए का है। तो भाई मेरे साथ मौजूद है सर जी, क्या नाम है आप? गौरव तिवारी। गौरव तिवारी सर, तो भाई ये इनकी नस्लों ने शुरू किया था, थोड़ा सा पूछते हैं, टाइम कम है तो भाई इनका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गौरव भैया, कब शुरू हुआ, क्या स्पेशलिटी है? मैं पहली दफा आया हूँ और पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। सन 1875 में एस्टेब्लिश हुई पराठे वाली गली जी, जिसकी पहली दुकान नहीं है। यहाँ पे 25 किस्म के पराठे बनाए जाते हैं। बिना प्याज लहसुन का खाना होता है। पराठा जो है वो 3 सब्जियों के साथ सर्व किया जाता है। पराठे की वैरायटी जो है उसमें आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बटर मिर्ची का, चीज का, गुड़ का, मसाला का। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। सब पराठे मिलते हैं, ये तो एक साल चाहिए खाने के लिए, कैसे खाएंगे भाई? अब मैं तो एक दफा आया हूँ, क्या करूंगा मैं? आते रहो, धीरे धीरे आते रहोगे, खाते रहोगे तो कौन का पता पड़ता है। हो सकता है दिल्ली दोबारा भी आए, लेकिन ये गौरव भाई का भाई बड़ा। तो ये किसने शुरू किया था? आपके परदादा ने? हाँ जी, परदादा जी ने शुरू किया था, कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी, देखिए आप वो बना गए और आज तक हम खा रहे हैं। तो आखिरी इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई यहाँ कौन कौन मशहूर शख्सियत आया हुआ है? मशहूर बंदा यहाँ पर अक्षय कुमार, और आप देख रहे हैं फोटो, बड़े बड़े नेताओं की, अभिनेताओं की, सब क्या है। रणवीर कपूर, रणवीर कपूर, रणवीर एनिमल वाला बंदा भी आया हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ये है द लेजेंडरी। ये देखिए जी, नस्ल दर नस्ल के दादा पर दादा। क्या बात है, क्या बात। तो भाई पराठे का ऑर्डर देने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये चटनियां और थाली हमारे सामने रख दी। ये देखिए, ये चटनियां से, ये आलू चने, आलू छोले, ये ग्रीन चटनी है। यार इतने ज्यादा पराठे हैं, इतने ज्यादा, 25-30 पता नहीं, आलू का, सब्जी का, पनीर का, चीज का, फलाना, पालक, पता नहीं, टमाटर, क्या भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई एक महीना आना पड़ेगा अगर सारे खा रहे हो तो मैंने कहा भाई जो सबसे ज्यादा चलते हैं, एक मिक्स है और एक कोई चीज वाला है, मैंने कहा वो दो ले आओ, खा के देखते हैं, पता नहीं जिंदगी में कभी यहाँ आना है कि नहीं आना, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इन छोटी, अच्छा यहाँ पे ये है कि दुकान अगर छोटी है ना 100 साल पहले, वो छोटी है, ये बड़ी नहीं करते। अब से हमारे दादा भी आते, तब भी 8-10 लोग बैठ सकते थे, अब भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, आगे जैसा बच्चे भी होंगे वो भी 8-10 ही होंगे। यहाँ पे एनवायरनमेंट चेक करें, सारे सेलिब्रिटीज की तस्वीरें लगाई हुई है उन्होंने, और वो प्राइस ही है, महंगा नहीं है, तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो बड़ा वेट कर रहे हैं, मशहूर पराठे वाली गली में, देखते हैं पराठे आते हैं तो फिर आपको बताते हैं। ये भाई पराठे, अच्छा ये पराठे नाम है, ये असल में पराठे नहीं है जो हम घर में खाते हैं। ये देखो, ये पूरी, पापड़, पराठा, ये सब मिक्स ही है, क्या है अगर इसको पराठा ही कहते हैं तो मिक्स है। और ये कचौरी समोसा टाइप लग रहा है लेकिन इसको भी पराठे का नाम दे दिया गया है। दोनों खाते हैं, टेस्ट कराते हैं फिर आपको। ओह सॉरी, टेस्ट नहीं, टेस्ट मैं करूंगा, रिव्यू आपको देंगे, हमेशा गलत बोल देता हूँ। गरम बड़ा है, लॉबी ट्राई होने लगा है, द वन एंड ओनली लेजेंडरी, इन भाई ने भी रिकमेंड किया है। व्हाट कह रहे हैं भाई, एक दफा खाओगे बार बार आओगे। तो यार ये पता नहीं किस चटनी से लगा के खाएं, तो एक दफा इससे खाते हैं, एक दफा इससे खाते हैं, पहले छोले से खाते हैं। यार
चार पांच वेजिटेबल का बहुत ज्यादा गले में लग रहा है, लेकिन भाई वो टेस्ट जो है ना गुड़ुम क्या बात जबरदस्त यार। चले बहुत सादा से हैं तो ज्यादा टेस्ट जो है ना आप ये देख सकते हैं, ये देखें इसमें क्या, ये पनीर है, मिक्स सब्जी, पता नहीं मटर शटर, वो पूछने का टाइम नहीं है, वो कहता भाई खाओ टेस्ट लो, आम खाओ गुठलियां मत गिनो, तो ये भाई उन्होंने कहा है। क्या बात है, ओ हो हो हो, डेढ़ सौ साल पुरानी दुकान है, ऐसे नहीं हिटी, बहुत जबरदस्त है यार। अब ये पता नहीं मीठी चटनी है क्या, खा के देखते हैं भाई क्या ये। हाँ मिर्ची यार, यहाँ पे बैठना भी बना एक जंग है जंग भाई, बहुत मुश्किल से जगह मिलती है। अच्छा भाई ये तो यार पराठा बला ही है, बला ही बला। अब ये खाएंगे हम इससे, ये देखें ये पता नहीं कौन सी सब्जी बताई है इन्होंने, ये आलू नहीं है ये कुछ और है। देखें जब 150 साल पुरानी दुकान है ना तो ऐसी नहीं होती, तो चीज होती है वहां पे, कब होती है 150 साल पुरानी, तो बला है बला। अच्छा भाई ये तो नहीं पूरा खाया गया, अब ये बड़ा देखते हैं, ये के चीज और पनीर की फिलिंग है, ये देखे चीज की फिलिंग भाई। अब बताएं आप ये बंदा एक खाएगा तो फिर उसके बाद क्या खाएगा, लेकिन खाना पड़ेगा, इतनी दूर आए हैं पहली दफा आए हैं, खाना तो पड़ेगा। यहाँ फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े बुजुर्ग, वेज नॉन वेज कोई भेदभाव नहीं है, सब आते हैं। यार ये बड़ा, ये कचोरी नुमा पराठा, इसको पराठा कहना वैसे कुछ और कहना चाहिए भाई, पराठा नहीं है यार ये जो भी है भला है भला भला। यार बहुत रश है तो वीडियो भाई, वो वीडियो बड़ी मुश्किल से बन रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। अब सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अगर अभी भी सब्सक्राइब करना तो भाई ले गए यार। वो आंटी आप भी वीडियो देख देख के थक गई है, सब्सक्राइब करती नहीं है, लाइक करती नहीं है, अब इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पैकिंग कर रहा था तो गौरव भाई ने कहा भाई पराठे वाला तो ठीक है, लेकिन इन्होंने चैनल भी बनाया है गौरव तिवारी, तो नस्ल दर नस्ल इन्होंने हमें खिलाया है, तो इतना तो बनता है यार इनके चैनल को पसंद। 150 साल यार, 150 साल में तो बुल्क लीडर अलग अलग हो जाते हैं, देश बढ़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इन्होंने आजादी से बहुत पुरानी बात है। 70 साल तो अंग्रेजों के साथ पराठे बनाए, अंग्रेज अंग्रेज जाके खाते थे, उन अंग्रेजों 75 साल हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ देख ले भाई, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ठीक है गौरव भाई, ठीक है गौरव भाई, तेरे अपना ख्याल रखते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने देखा भाई पराठे वाली गली में यार जबरदस्त पराठे थे। अच्छा इस गली में और भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ ज़रा पराठे वाली गली मशहूर है, क्या खाएं, हजारों चीजें हैं कुछ ही खा सकते हैं, तो अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें और देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें मुशी ब्लॉग। धन्यवाद।